करता है, अपने हक और अधिकार के लिए लोग सड़कों पर रहे हैं। ऐसे दौर में सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि इनका मोदी नहीं तो कौन, इस सवाल का मजबूत जवाब दिया जाए। और मैं समझता हूँ जासूसी कराने की इनकी पुरानी आदत है मोदी जी की, तो जासूसी हम लोगों के लिए करवा ही रहे होंगे। कह दो अपने जासूसों से, ध्यान से देख ले इन चेहरों को, ये चेहरे आज यहाँ इस बात का, इस सवाल का जवाब देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान के नौजवान सड़कों पे खड़े हुए हैं। मोदी नहीं तो हम, यह विकल्प लेकर के हम इस देश में आए हैं, यह बात हम कहना चाहते हैं। आप ही अंपायर डिसाइड कीजिए, आप ही प्लेयर चुनिए, और उसके बाद दर्शकों से पूछिए कि बताइए चुनाव कौन जीतेगा। ऐसे यदि चलता रहा तो स्वाभाविक रूप से आप इस देश में अपना हर तरह का मनमानी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बात कह देना चाहते हैं कि लोकतंत्र WWF का मैच नहीं होता है। लोकतंत्र लोगों की भागीदारी पर टिका होता है, लोगों के बुनियादी अधिकारों पर टिका होता है। इस लोकतंत्र में वो तमाम आवाज जिसको जगह नहीं मिल पा रही है, और मीडिया के कोलाहल में स्टूडियो के भीतर अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं को बिठा करके एंकर एम्पायर बन करके जो पर्दे के पीछे मैच को फिक्स करना चाहते हैं, हम उनको कह देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में विकल्प सिर्फ चुनावों में तैयार नहीं होता, लोकतंत्र का विकल्प हमेशा संघर्षों में तैयार होता है। और यह संघर्ष सड़कों में लड़ा जाएगा, इस देश के खेत और खलिहानों में लड़ा जाएगा। और जहां तक 2019 का सवाल है, इस संसदीय चुनावी प्रणाली में हम चुनाव के महत्व को घटा करके नहीं देख रहे हैं। इसीलिए एक सबसे जरूरी बात आप तमाम नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि आज के इस दौर में जिस तरह से आप इकट्ठा हुए हैं, इस एकता को बनाए रखने की जरूरत है। और यह एकता सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नहीं, इस देश के खेतों खलिहानों में, तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम कैंपसों में, इस देश की सड़कों पे सुनिश्चित होनी चाहिए। और हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे बीच में चाहे मतभेद कितना भी क्यों ना हो, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान का शासन रहना चाहिए। और इस संविधान के शासन को सुनिश्चित करने के लिए हम यह जिम्मेवारी अपने कंधे पे लें कि आने वाले चुनाव में हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमारा प्रत्याशी नहीं है, अगर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, फिर भी हम अपने हाथ से पर्चा लिख करके घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इस जुमलेवार सरकार ने इस देश के साथ क्या किया है, इस देश के किसानों, मजदूरों और नौजवानों के साथ क्या किया है। यह जिम्मेवारी हम लोगों को अपने कंधे पे उठाना पड़ेगा। और तमाम माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आंदोलन का रास्ता हो, या घर घर जाकर के कैंपेन का रास्ता हो, लोगों को उनके हक और अधिकार के बारे में बताना पड़ेगा। इस एकता को एक चट्टानी मजबूती देनी होगी, यह सबसे जरूरी बात है। दूसरी बात यह है कि नौजवानों को एक बात समझना होगा, आप जानते हैं कि हमारे भीतर पेशेंस कम होता जा रहा है, और इस बात को बाजार बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रहा है। बाजार क्या करता है कि एक मॉडल का मोबाइल पुराना होता नहीं है कि नया मॉडल लॉन्च कर देता है। यह सरकार बाजार के इन्हीं नियमों पर काम करती है। एक मुद्दा खड़ा हुआ नहीं कि उस मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। आप देखेंगे कोई भी न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं है, वो एक मुद्दा है, और उस मुद्दे को किस तरीके से दबा दिया जाता है। पिछले 5 साल में इस देश के भीतर जो राजनीतिक डिस्कोर्स रहा है, उस पर आप एक सरसरी निगाह डाल करके देखिए तो आपको कुछ मजेदार बात
को नहीं पहुंचा, इस सवाल को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार को उत्पन्न करने का वादा, क्या हुआ बुलेट ट्रेन चलाने का वादा, क्या हुआ महंगाई को कम करने के वादे का, क्या हुआ किसानों के अत्याचार को कम करने का, क्या हुआ महिलाओं के ऊपर अत्याचार को कम करने का? और बहुत ही साजिश के तहत किस तरीके से मुद्दों को खटखटाते हैं उसका दो उदाहरण देकर के आपसे एक आखिरी अपील के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि मुद्दों को इस रूप में भटकाते हैं कि अभी इन्होंने कहा कि हम गरीब सवर्णों को 10% का कोटा देना चाहते हैं। बजाइए ताली, ताली बजाने वाली बात है, लेकिन ये बताइए कि आप 10% गरीब सवर्णों को कोटा देना चाहते हैं, लेकिन इस देश के जो दलित पिछड़े शोषित आदिवासी गरीब लोग हैं उनके बुनियादी सवालों को आपने कैसे नजरअंदाज किया है? आपने विश्वविद्यालयों में द्रोणाचार्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए इस बार एकलव्य का अंगूठा काटने का नहीं उसकी गर्दन काटने का प्लान बनाया है। 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से पहले जो लोग बहुत मुश्किल से शिक्षा ले रहे थे उनको शिक्षा से वंचित किया गया। किसी तरह से आप विश्वविद्यालय में पहुंच गए, अपनी पढ़ाई आपने कर ली, तमाम गाली खाने के बावजूद आपने PhD कर ली, अब आपके लिए रोजगार का रास्ता बंद कर दिया गया है। दूसरा, ये कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। अरे महिला तो महिला होती है, किसी भी महिला को न्याय दिलाइए, मुस्लिम महिला को न्याय दिला रहे हैं, ताली बजाएंगे आपके लिए। ये बताइए कि यशोदा मैया को कब आप न्याय दे रहे हैं? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझिए कि असली मामला क्या है। असली मामला ये है कि जिस तरीके से सपेरा स्टेशन के बाहर बीन बजाएगा, नाग अपनी गर्दन हिलाएगा, थोड़ा देर नाग देवता का डिस्को डांस चलेगा, उसके बाद सपेरा वही नाग की टोकरी लेकर के आपके सामने 10-10 रुपया मांगने में जुड़ जाएगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार का काम किया है। वैसे भी मोदी जी RSS के प्रचारक रहे हैं, प्रचार के अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 5 साल इन्होंने सारा का सारा काम प्रचार पे फोकस किया है। और जब आप 5 साल खत्म होने वाला है तो ये क्या क्या बोलना शुरू किए हैं? सबसे पहले ये कहते हैं कि अच्छा ये बताइए मोदी नहीं आएगा तो किसको वोट देंगे? और यही संघी लोग हैं, मुझे बचपन की बात याद आती है, हर बात में कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। 5 साल हो गया है, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी बन गया है। एक भी इनके समर्थक, उनके पास ये आत्मविश्वास नहीं है कि वो चौक चौराहों पे खड़ा होकर के मोदी जी के कारनामों को डिफेंड कर सके। जुमला नहीं अधिकार चाहिए, इस मुद्दे पे आपको टिके रहना है। आने वाले दिनों में अपनी चट्टानी एकता से इनको परास्त करना है, सामाजिक न्याय की रक्षा करते हुए, इस देश के संविधान को बचाते हुए, संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को मजबूत करने के लिए, एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए हम